वेल है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लोग मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हो और आपके दांत में बहुत तेज मतलब झिनझिनाहट होती है आप, तो उस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ। अगर ठंडा गर्म खाने से आपके दांत में थोड़ा हल्का दर्द होने लगता है और कुछ ठंडा खाया जैसे आइसक्रीम खाने का सबको बहुत ही शौक है, तो अगर आइसक्रीम खाते वक्त या ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त या ठंडा पानी पीते वक्त अजीब सा झिनझिनाहट सी होती है दांतों में, तो अगर जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, अगर ये लगातार 2 हफ्ते या 1 हफ्ते अगर फॉलो करते हो ना, तो अगर कुछ भी ठंडा खाते हो ना तो आपको झिनझिनाहट होती है आपके दांतों में, वो झिनझिनाहट होना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि वो टिप्स क्या है। अगर आपके दांतों में दर्द है या अगर ब्रश करते वक्त आपके दांत से ब्लीडिंग होती है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट मैं बता देती हूँ गाइज, आप पहले सरसों का तेल ले ले, सरसों के तेल में उसमें नमक डाले और उससे मतलब अपने दांतों को मसाज कर ले, दांत और मसूड़े को मसाज करे। ये दिन में 2 बार करे, सुबह में कर ले और शाम को कर ले, या जैसे आपको टाइम मिले आप वैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक मसाज कर ले और फिर उसे कुल्ला कर ले, ठीक है। सेकेंड है तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल, तीनों को मिक्स करके मसूड़ों को मसाज करेंगे ना तो काफी ज्यादा मतलब आपको रिलैक्स फील होगा, झिनझिनाहट दूर हो जाएगी, ब्लीडिंग आना कम हो, ब्लीडिंग जो आती है वो बंद हो जाएगा और दर्द जो होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बताती हूँ, काला तिल भी आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में अगर 2 बार काले तिल को चबाते हो ना तो उससे आपका जो दांत का दर्द है वो भी ठीक होता है, ब्लीडिंग भी ठीक होती है और झिनझिनाहट मतलब दूर ही हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट है गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर उसको अच्छे से घोल ले, घोलने के बाद उसे मतलब उससे कुल्ला कर ले। उससे कुल्ला करने से एक बार मॉर्निंग पे कर ले, एक बार सोने के वक्त कर ले। इससे क्या होता है, अगर आपके सेंसिटिव झिनझिनाहट बहुत होती है दांतों में, कुछ ठंडा या कुछ गर्म नहीं खा पाते हो, उससे भी आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर दांत में आपको बहुत तेज दर्द होती है और झिनझिनाहट होती है एंड ब्लीडिंग आती है और भी अगर मुंह से बदबू भी आती है ना, तो अगर लौंग तो सबके घर में होते हैं, 3 लौंग ले ले और चबाए, उससे आपके मुंह की बदबू दूर होगी और जो झिनझिनाहट होती मुंह की बदबू दूर होगी, झिनझिनाहट कम होगी और आपको रिलैक्स फील होगा। सो गाइज ये रहा आज का मेरा टिप्स, अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।